सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको इंस्टाग्राम के बारे में तो पता होगा ही, जब से टिकटॉक और स्नैप वीडियो बंद हुआ है इंस्टाग्राम में तो जैसे मार ही पड़ी हुई है। मतलब इंस्टाग्राम में अब लोग बहुत ज़्यादा रील्स बनाने लगे हैं, यानी कि टिकटॉक जैसी जो शॉर्ट्स वीडियो होती थी वो अब इंस्टाग्राम में आप बना सकते हैं। ये पहले भी बनाया जा सकता था लेकिन इसमें लोग ध्यान नहीं देते थे। जब से टिकटॉक और स्नैप बंद हुआ तब आकर के रील्स में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार्स एंड इवन फिल्म स्टार्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रील्स आप इंस्टाग्राम में कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका फुल ट्यूटोरियल बना करके आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप फिल्टर्स इस्तेमाल करेंगे एंड सॉन्ग को कट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सेटिंग्स जो होती है आपको टिकटॉक के जैसे इंस्टाग्राम में भी देखने के लिए मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इन रील्स को डाउनलोड करने की। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख करके जान लिया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ कि आप इंस्टाग्राम के रील्स को डायरेक्ट अपने गैलरी में सेव कैसे करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम के रील्स को सेव करना चाहते हैं तो उसमें ऑडियो नहीं आता है, केवल वीडियो सेव हो जाता है अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम रील से सेव करना चाहें तो। लेकिन मैं आपको यहां पे ऑडियो प्लस वीडियो दोनों डाउनलोड करके बताऊंगी बहुत ही आसानी से, वो भी आपके डायरेक्ट गैलरी में। एंड फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी अलग से दूसरी ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो ऑफिशियल ऐप है उसी से ये काम हो जाएगा। तो है ना वीडियो इंटरेस्टिंग। तो वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा झंझट इसमें है नहीं। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम के रील्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले चले जाना है अपने इंस्टाग्राम में। एंड इंस्टाग्राम में जाने के बाद में आप रील्स ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से आपको कोई एक रील्स चुन लेना है, मतलब एक वीडियो जो कि आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है ऑडियो और वीडियो के साथ में। तो चलिए मैं जल्दी से एक चुन लेती हूँ, कौन सा लूँ। ओके, तो ये देखिए, ये जो है ये वीडियो मैं ले लूँगी। अब इसे मुझे डाउनलोड करना है। तो सिंपली इसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो थ्री डॉट्स है यहाँ पे राइट साइड में वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से सिंपली आपको कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम आपको यही करना है कि लिंक को कॉपी करना है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लिंक कॉपी करने के बाद में सिंपली आपको ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउजर। तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड देन वहाँ पे आपको एक न्यू टैब सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10.insta। तो मैं लिख करके भी बता देती हूँ, ये 10.insta, ठीक है, ये एक वेबसाइट का नाम है 10.instanet। ये लिख करके आपको सर्च कर लेना है। जो सबसे ऊपर का जो लिंक दिख रहा है वहाँ पे आपको टच कर देना है। एंड वहाँ पे टच करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, तो आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वो लिंक कर देना है पेस्ट, मतलब जो भी वीडियो आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है उसका लिंक जो है आपको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब डाउनलोड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो शो होने लगेगी कि क्या यही वीडियो है जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यस हाँ, तो फिर जा करके आप ब्लू कलर का जो डाउनलोड फाइल है वहाँ पे टच करेंगे, अब जा करके वीडियो हो जाएगी डाउनलोड। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए डाउन साइड में आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल यहाँ पे है, डाउनलोड हो भी चुका, ओपन करके देख लेना है। ये रही वो देखा, तो इसे मैंने गैलरी में भी सेव किया है। किस तरह से चलिए मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट गैलरी में ही सेव हो जाता है। और ये रहा वो, तो आपने देखा कितने आसानी से आपको बिना किसी एप्लीकेशन के ये जो है वीडियो ऑडियो के साथ में यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है anisha.459, तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी अभी रील्स बनाना चालू कर दिया है,
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पे कोई भी रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं उसके गाने के साथ में, और फिर जहाँ मन करे वहाँ पे डालिए, स्टेटस में डालिए, फेसबुक में डालिए, जहाँ मन करता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स इतना छोटा सा ट्रिक है, जस्ट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं क्रोम ब्राउजर के माध्यम से एंड यहाँ पे बस आपको लिंक पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे आपका जो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों डाउनलोड हो जाएगा। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो इतनी छोटी सी चीज़ है यहाँ पे करने के लिए, जस्ट सिंपल आपको दो एप्लीकेशन का काम है जो कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी है, इंस्टाग्राम एंड क्रोम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप भी सीख गए होंगे कि इंस्टाग्राम के रील्स को डायरेक्ट अपनी गैलरी में विथ ऑडियो कैसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो यहाँ पे डालूंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।